आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। डिंडोरी जिले के शाहपुरा मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ग्राम खुर्सीपार और डोम दादर के बीचों बीच घने जंगलों के बीच मां विंध्यवासी के दरबार में जवारे विसर्जन के दिन भारी जनसैलाब उमड़ा। लोग अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए दूर दूर से माता के दरबार में आते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद भक्त माता के दरबार में जवारे कलश बोने के साथ बलि भेंट भी देते हैं। आइए देखते हैं विंध्यवासिनी मंदिर से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। वहीं मंदिर के पंडा तीरथ सिंह सयाम ने जानकारी देते हुए बताया कि मां विंध्यवासिनी के दरबार में सिर्फ मां की मर्जी चलती है। उनकी मर्जी के बिना यहां कोई भी व्यक्ति एक पेड़ भी नहीं काट सकता और ना ही हल चला सकता है। भक्तों ने मां के दरबार में मंदिर बनाना चाहा पर भक्तों ने दीवारों को खड़ी कर ली पर छत नहीं डाल सके क्योंकि मां विंध्यवासिनी बांसों के बीच से निकली हैं और वो खुले में ही रहना चाहती हैं। ये हमारे बिंदरगढ़ी परिसर में हर साल की भांति इस साल भी जो जवारे का आयोजन होता है, जो अमावस्या की दूसरे दिन ठीक जवारे बोते हैं और सातवें को झंडा फहरा, आठवें को अठवाइन, नौवें को जो विसर्जन जो जवारा होता है, जिससे हमारा क्षेत्रवासी सभी वर्ग सभी समुदाय के लोग एकत्र होकर के बलि प्रथा को प्रोत्साहन करते हैं और प्रमाण है कि दही जिसका काम करता है वहाँ बकर भोज दिया जाता है। यहाँ का कार्यक्रम जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, उसके बिन पूछे कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकता है। खुर्चीपार खुरखेत की ऐसी कृपा है कि यहाँ गुरुकुल ही है, गुरुकुल के आदेश से बिना आदेश के कोई एक लकड़ी नहीं काट सकता है न कहीं हल चला सकता है। ऐसे प्रांगण शक्ति जो है विद्यमान है। ये बिंदरगढ़ी भारत देश के नामों में बामनगढ़ों में जो है विद्यमान है और सबको सुख देने वाली फल देने वाली दाई विंध्यवासिनी देवी है। ये हमारे तो मध्य प्रदेश से तो बात है, राज्य के बाहर से आते हैं, बिहार से, अभी हमको पता चला है कि राजस्थान से भी हमारे भक्तजन आए हुए हैं। ऐसे हमारे कोया समाज मूल निवासी लगातार कई जिला कई राज्य से लगातार आ रहे हैं। यहाँ पे क्या ऊपर का वो छत नहीं डल रहा है? हाँ, माता की कहना है कि हमें मंदिर में नहीं, हम तो जंगल पहाड़ में रहते हैं और खुला में रहेंगे। ये बाँस से निकली है दाई, इसलिए यहाँ विंध्यवासिनी के यहाँ कोई मंदिर नहीं बनाया जाता है। क्या नाम है पंडित जी? मेरा नाम है तीरथ सिंह सयाम, मड़िया संचालक बिंदरगढ़ी। आज हम पहुंचे हैं डिंडौरी जिला के शहपुरा मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर खुर्सीपार गांव के विंध्यवासिनी गढ़ी में। इस मड़िया की, इस माता विंध्यवासिनी की ये मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहां पे सच्चे मन से अपने शीश झुकाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और साल में एक बार फागुन मास में यहाँ पे एक मेले का आयोजन होता है जहाँ पे सभी श्रद्धालु भक्त अपनी मन्नत पूरी होने के बाद में जवारे बवाते हैं और उसका भक्ति भाव से विसर्जन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे आए हुए एक श्रद्धालु भक्त, इनसे हम जानेंगे कि माता की इस स्थान की क्या महिमा है। जी, तो आप यहाँ पे आए हैं माता के स्थान पे, क्या महिमा है इस स्थान की? यहाँ की महिमा ये है कि ये कम से कम मान लीजिए 50 वर्षों से ये चला आ रहा है। यहाँ की रीति रिवाज जो है तो जिसकी जो मन्नत होती है तो मन्नत पूरे होने पर कहीं बकरा है कहीं नारियल है, जो भी उनके पास श्रद्धा होती है वो श्रद्धा दे से फल देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप कितने वर्ष यहाँ आ रहे हैं? यहाँ हम करीब 10 वर्ष से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल सोनी। कहाँ से? धीरवन से।